वेलकम बैक। आज का टॉपिक है टॉक्सिक रिश्तेदार, और ये कहानी शुरू होती है जब मेरी बहन शबाना के लिए रिश्ता आता है पाकिस्तान से, और मेरे पेरेंट्स फुल इंटरेस्टेड होते हैं। डन करें जी, डन करें जी, चले ओके ओके, चले बात होती है जी। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अगले महीने की 10 तारीख को मैंने डेट फिक्स कर दी। माशाल्लाह माशाल्लाह। आई डोंट वांट टू गेट मैरिड। आप लोग को ये बात क्यों नहीं समझ आ रही? मैंने नहीं करनी शादी। बेटा आप एडजस्ट हो जाओगी। मैं नहीं एडजस्ट हुई मॉम, लेकिन मैंने अभी तक उसको देखा भी नहीं है, उसकी शक्ल। ओ हाँ, मैंने तो तुम्हें दिखाया नहीं फोटो, बच्चे की दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड। ये रहा। एओ है, मुझे ये बात समझ नहीं आती कि पेरेंट्स पूरी फैमिली को पाकिस्तान से कनाडा ले आते हैं, उनको सारी ज़िंदगी स्कूल में पढ़ाते हैं, गोरों के साथ दोस्ती करवाते हैं, इंग्लिश बोलो ये करो, लेकिन शादी नहीं। शादी बंदा पाकिस्तान से लड़का लेके आओ, कुछ भी हो जाए, नहीं पाकिस्तान से लेके आओ। आई डोंट केयर, तुम्हें शादी इससे करनी पड़ेगी। यहाँ के बच्चे इतने करप्ट, बिल्कुल करप्ट है सारे यहाँ के। पाकिस्तान में इनोसेंट, बिल्कुल इनोसेंट बच्चे हैं। वैसे पाकिस्तान के बच्चे भी कोई फरिश्ते नहीं। चाप एक भी लफ्ज मेरे मुल्क के बारे में तुमने कुछ कहा, मैं यही दफना दूंगा तुम्हें। पाकिस्तान जिंदाबाद, वहां के लोग जिंदाबाद। खड़े हो, नेशनल एंथम अभी लगाते हैं। I said get up right now. Get up. Ishware azim shaar. सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे कल्चर में है कि लोग क्या कहेंगे, दूसरे लोग क्या कहेंगे। यही कोई प्रॉब्लम मेरे पेरेंट्स के साथ भी है। आए देखिए, इंग्लिश गुड, हिस्ट्री जो है गुड हो गया, मैथ में फेल है। ओए ओए, ये क्या, मैथ में फेल हो गया तुम? ओए शायदा, सुन लो जी, अपने बेटे की करकुते देख लो तुम, हरकतें देख लो जरा, मैथ में फेल। सत्यानाश, हैरान हूं मैं मैथ में तुम कैसे फेल हो गए। हाउ डिड यू डू दैट वन, हाउ यू फेल ऑन द मैथ। अब तुम सोचो शायदा लोग क्या कहेंगे कि भट्टी का बेटा जो है स्कूल नहीं पास हुआ। शकीला को तो पता चल भी गया होगा कि ये फेल हो गया मैथ में। वसीम का बेटा जो है नंबर वन ग्रेजुएट है। अब अगले दिन शबाना घर आते आते थोड़ी सी लेट हो गई। आए मेरी अम्मी का रिएक्शन देखें। बहुत मजा आया, it was amazing. कहाँ रह गई तुम? है? वक्त देखा है तुमने? Mom, you said to be home by मगरिब time. मैं मगरिब के वक्त आई। मैंने कहा था कि मगरिब से पहले पहले आना है, अब मगरिब का वक्त हो गया। पड़ोसी वाले भी क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि शायदा की बेटी देखो किस टाइम पे आती है घर। बच्चों को क्या पता कि लोग कितनी कितनी बातें करते हैं, सुनना तो हमें माँ बाप को पड़ता है। अब ये अगले दिन बिना पूछे फिर से बाहर चली गई। कहाँ थी तुम? अब क्या हुआ, अब तो मैं मगरिब से भी पहले आई हूँ, देखिए दिन में आई हूँ। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं है, अपने माँ बाप का शर्म नहीं आती? दो दो दिन तुम बाहर रही हो, लोग भी क्या कहेंगे कि शायदा की बेटी आवारा घर दो दो दिन बाहर रही है। Oh my God, अम्मी ऐसा कोई नहीं कहता, no one says that. कसम अल्लाह की, मर जाने का दिल चाहता है। लोग क्या कहेंगे, व्हाट्सएप पे हर जगह तस्वीरें फैला देंगे। What's क्या करूंगी फिर, मर जाऊंगी मैं? तुम ही दबा दो मेरा गला, ऐसे करके दबा दो कहीं। Watch your attitude. अब हर खानदान में ऐसी आंटियां भी होती हैं जिनके पास हर एक एक फैमिली की इंफॉर्मेशन है। ऐसी कुछ आंटियां मेरे घर आई। शायदा अभी उमेरा की जो शादी हुई है पिछले साल, मियां जॉबलेस, घर के अंदर रह रहा है, घर जमाई। अच्छा, और उसकी बेटी तो तौबा तौबा, इंस्टाग्राम पे कैसी कैसी तस्वीरें लगाती है, मुझसे तो देखा नहीं जाता, मैंने अपना फोन ही फेंक दिया। मैंने कॉल आ रही है, एक सेकेंड। हाँ जी। अच्छा, उसका क्या हाल है? सारा किधर है आजकल? सारा हाँ, चैप्टर 7 खोला, सारा के बारे में लिखा था उसमें। नहीं, चैप्टर 8। सारा जो है ना, कसम अल्लाह की अभी तक हिजाब नहीं पहनती। भाई तुम्हें कितना वक्त हो गया है, कितना टाइम मिल गया है भाई। भाई तुम सर ही ढक लो अपना, शर्म नहीं आती है इन लोगों को। तौबा तौबा। वैसे रुबीना बुरा मत मानना, लेकिन हिजाब तो तुम भी नहीं पहनती। अब एक दिन मैं अपने कमरे में काम कर रहा था, मेरी अम्मी जल्दी से मेरे कमरे के अंदर आती हैं, कहती कि ये वीडियो चैट पे कोई लड़का, इससे बात करो। भाई ना जान ना पहचान, मैं कैसे बात करूं? तुम अपने बेटे को दो ना फोन। हाँ हाँ, दे दो। अच्छा, अस वालेकुम सलाम बेटा, मैं सनी से बात कराती हूँ अभी। मैं बात करा, ये रहा, बात कर लो, ये लो। अस्सलाम, हेलो हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। सनी आपका सेकंड कजन है, ये पता है आपको? नहीं, थर्ड है या सेकंड, इनमें से कोई है। चलो एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ, ठीक है? अरे अम्मी अपना फोन तो ले जाए आप। अरे कोई नहीं, रखो फोन, एंजॉय बेटा, आप भी एंजॉय करना। चलो ओके, एंजॉय, बातें करो, डीप डीप बातें करो। मुझे ना पोती आ रही है।
मेरा ये दुनिया में सबसे ऑकवर्ड एक्सपीरियंस था। पता नहीं हमारी अम्मी ऐसा क्यों करती हैं। अब मेरी अम्मी बैठी हुई थी फेसबुक पे और उन्होंने देख लिया कि मेरी फुप्पो ने कोई पोस्ट लगाया फेसबुक पे और उनका रिएक्शन, है तुम्हारी फुप्पो ने तस्वीर लगाई है कि इब्राहिम ग्रेजुएट हो गया और तुम्हें देखो जरा अभी तक तुम ग्रेजुएट नहीं हुए, मैं भी कोई तस्वीर नहीं लगा सकती, मुझे कुछ करना पड़ेगा। रुको एक सेकंड, क्या पता ही नहीं चल रहा, अल्लाह की कसम। आजा सानी, डिग्री बन गई तुम्हारी घर पे, ये लो देखो जरा, खड़े हो तुम्हारी तस्वीर लेती हूँ फेसबुक पे लगाऊंगी, ठीक है। अरे नहीं अम्मी क्या हो गया, मैं नहीं कोई पिक्चर खींच रहा। तुम्हारी फुप्पो जो है लगाई जा रही है कब से, 10 साल से तस्वीरें लगाई जा रही है, हम ना लगाएं, उठो जल्दी। तुम फुप्पो को लगा लेते तस्वीरें, इसमें हमारा क्या लेना देना है, मैंने रख के लगानी है, उठो जल्दी पकड़ो ये डिग्री। हाँ रुको, खड़े रहो ऐसे, हाँ ऑक्सफर्ड नजर आना चाहिए, ऑक्सफर्ड पे सही तरह। बढ़िया इब्राहिम ग्रेजुएट, मतलब हमारे बच्चे पागल हैं, हमें नहीं आता पढ़ना। हाँ हाय, मेरा पोस्ट देख के इसने लिखा है फेसबुक पे, हेटर्स आर मोटिवेटर्स, देख लो जरा है, मैं भी लिखती हूँ अब आप कुछ उल्टा सीधा ना लिख देना, हेटर्स आर एलिगेटर्स। हाँ पता चलेगा इसको। हाय देखो जरा इसकी जरूरत है, पोस्ट लगाया है फेसबुक पे, आई गॉट आईफोन 14 है, नंबर लिखने की जरूरत थी, सबको पता आईफोन क्या चीज है, जान के मुझे चढ़ाने के लिए ना मैं कुछ लगाती हूँ मैं भी फेसबुक पे। टीवी टीवी, हाँ ये ठीक है, नहीं खाली टीवी तो अच्छा नहीं लग। शबाना बेटी इधर इधर एक सेकंड। नो मॉम आई डोंट वांट टू, मैं खाली टीवी की तस्वीर थोड़ी लगा सकती हूँ, बहुत बुरा लगेगा, सबको पता चल जाएगा। ओह माय गॉड दैट इज सो एंबैरेसिंग, तुम इधर आके खड़े हो जाओ, क्या मौत आ रही है तुम्हें। मॉम व्हाट आर यू डूइंग, ये जी हाँ सीधे खड़े, हिलना नहीं है यहाँ से, हाँ ठीक है, ऐसे हाँ। बड़ी आई है आईफोन 14, बताती हूँ मेरा टीवी कितना बड़ा है। अब ये सारी फेसबुक पे तस्वीरें देख के मेरे चाचा जी ने मुझे कॉल की जब मैं अपनी जॉब पे था। Thank you, sir. Have a good night. Call karni. Assalamu alaikum, chacha ji. Waalaikum assalam. Uthai liya tune phone hai? 15 dafa kiya call tujhe. Kyun nahi utha raha tha phone mera? Sorry, chacha ji. Main busy hoon. Job pe hoon main abhi. Hey, job ka to mat bol tu. Bade apne aap se. Canada mein kaun karta hai job? Aap pata hai mujhe. बड़ा बिजनेस खोला हो गया है, बड़े पैसे छाप रहे हो सारे हैं। यार एक काम तो कर, वो नया आईफोन जो आया वो तो भिजवा दे। चाचा जी अभी तो मुश्किल हो जाएगा, मैंने आपको पिछले साल तो भिजवाया था आईफोन, याद है आपको। मत कर जालिम, बड़ा तू जालिम है, मुझे पता तेरे पास है पैसे, है तू नया वाला भेज आईफोन 14 भेज, ठीक है 13 मैंने तेरी चाची को देना है। अबे यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है, तुझे आईफोन 14 चाहिए, आइंदा मुझे कॉल की ना मैं भूल जाऊंगा तू चाचा है मेरा, बंद कर फोन। Alright guys, this is the end of the video. अगर आप लोगों को ये video अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी smile आई हो, make sure you guys give this video a thumbs up. Consider subscribing. अगर आप लोगों ने अभी तक subscribe नहीं किया, what are you doing? Make sure you guys comment below. I'm gonna be reading the comments and hearting the ones I like. I love you all, and I will see you guys next time. Allah Hafiz. Nikal. 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 यहाँ से बड़ा बता मीरा क्या? Haters are alligators. हाँ. पता चलेगा इसको। हाँ भाई किससे लड़ाई हो गई? फुप्पो से। हैं? फुप्पो से? मेरी बहन से? वो नहीं, फुप्पो ने तो कमेंट किया है मेरे उस पे, मैं तो शकीला को रिप्लाई बैक कर रही थी, मैंने कहा हेटर्स और एलिगेटर्स। हाँ ओह अच्छा, प्यार मोहब्बत है मे मतलब। हाँ नहीं मैं भी कहूँ कि मतलब हमेशा से इतने प्यार मोहब्बत से मिले हो, कभी लड़ाई हो सकती है। हाँ जी वही तो मैं कह रही, इतनी प्यार मोहब्बत से बचपन से इतना। ओके चलो गुड नाइट। गुड नाइट। ओके बदतमीज, तुम्हें नहीं पता कि 1 2 3 1 2 3 1 2 3 टन 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 हाय टन 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 हाय टन टन टन।